नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में पटना का बांकीपुर विधानसभा सीट अब एक हॉट सीट बन गया है। यहां से एनडीए की तरफ से भाजपा प्रत्याशी नितिन नवीन मैदान में हैं, जबकि महागठबंधन की तरफ से फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा मैदान में हैं। लव सिन्हा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा पहले भाजपा में थे, लेकिन बाद में वो भाजपा से बागी हो गए और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अब कांग्रेस से महागठबंधन के तरफ से उनके बेटे लव सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं प्लूरल्स पार्टी की उन पुष्पम प्रिया चौधरी भी अपना नामांकन दाखिल की हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री पद की दावेदार घोषित कर दी हैं। उनका मानना है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के पद के लिए बेहतर विकल्प हैं। आपको पता होगा कि पुष्पम प्रिया चौधरी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई और बिहार में बदलाव लाने के लिए लोगों से प्लूरल्स से जुड़ने का और उसका समर्थन करने का अपील कर रही हैं। लोग उनको सुन भी रहे हैं और सोशल मीडिया पर समर्थन भी दे रहे हैं। यही कारण है कि बांकीपुर विधानसभा सीट अब एक हॉट सीट बन चुका है। यहाँ की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। आपको बता दें कि नितिन नवीन भाजपा के सिटिंग विधायक हैं। नितिन नवीन भाजपा के कद्दावर नेता भी हैं और पार्टी में अपनी मजबूत पहचान रखते हैं, लेकिन इस बार उनको जोरदार टक्कर मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक जबरदस्त दांव खेल दिया है और भाजपा से बागी होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को नितिन नवीन के सामने चुनावी मैदान में उतार दिया है। यही नहीं, पुष्पम प्रिया चौधरी भी नितिन नवीन को चुनौती देने के लिए बांकीपुर से ही चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने बांकीपुर से नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि यहां से उनकी राजनीति की शुरुआत हो रही है और इस ओर यह उनका पहला कदम है। पुष्पम प्रिया चौधरी जदयू पार्टी के पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी की बेटी हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने लंदन से पढ़ाई पूरी की है और अब बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के तरफ से खुद को बिहार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित कर चुकी हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बांकीपुर विधानसभा सीट से तीन धुरंधर मैदान में हैं और तीनों अपनी अलग पहचान रखते हैं। वहीं भाजपा की बागी नेता और निर्दलीय प्रत्याशी सुषमा साहू का नामांकन रद्द हो गया है। सुषमा साहू बांकीपुर विधानसभा की राजनीति में अपनी एक खास पहचान रखती हैं। नामांकन रद्द होने के बाद सुषमा साहू ने कहा कि सत्ता के खिलाफ होने की उन्हें सजा मिली। क्या पुष्पम प्रिया चौधरी सीट पर जीत हासिल कर इतिहास बनाएंगी या फिर कांग्रेस के लव सिन्हा जीत हासिल कर कांग्रेस पार्टी को ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब हो पाएंगे या भाजपा के नितिन नवीन एक बार फिर बाजी मारने में कामयाब हो जाएंगे, इन सारे सवालों का जवाब आने वाला वक्त बताएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।